नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग। हमेशा की तरह जब तक मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कर लीजिए। ऑल्सो अभी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग करवा सकते हो दोबारा से, ठीक है। जितना जितनी पाइल्ड अप रीडिंग्स थी वो सब मैं कवर अप कर चुकी हूँ, सो बुकिंग्स आर ओपन। इफ यू वांट टू टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन फॉर योर सेल्फ, यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, सो अभी देखते हैं सबसे पहले कि जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जिन तक भी ये रीडिंग, ये वीडियो पहुंचने वाली है, उनके कनेक्शन में, उनके रिलेशनशिप में जो अभी जनरल एनर्जी है वो क्या है। लेट्स सी, अगर कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे गाइडेंस भी दिखाई देगी तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। योर फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, देन यू हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड आपका है फूल कार्ड, पेज ऑफ रॉड्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, आई हैव अरेंज द कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक आपकी जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ रॉड्स की। ओके, यानी 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, राशियां यहाँ पे सबसे ज्यादा तो फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोग जेमिनाय, लीवरा और एक्वेरियस राशि वाले हैं, और कुछ लोग जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी शायद अपने हस्बैंड या वाइफ से बातचीत नहीं हो रही है, या आप इंगेज हो, इंगेजमेंट टूटी है। कुछ कपल शायद यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी इंगेजमेंट टूटी है, और ये बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परफेक्ट कनेक्शन था आप लोगों का, अभी भी है। जो आप लोगों की एनर्जीज हैं वो एक दूसरे के साथ में एकदम सेम लेवल पे आ रही हैं अभी, एज इन के आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हो वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ में मैच कर रहा है, या सेम वे में आप एक दूसरे के लिए इस टाइम पर फील कर रहे हो। आप दोनों के ही जो थॉट प्रोसेसेस हैं इस समय पर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की तरफ फोकस्ड है कि आने वाले कल में इस फ्यूचर में क्या, मतलब इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक इंसान जो है वो एनालाइज कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रही है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो एकदम एक्शन लेने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। तो एक इंसान थोड़ा सा सोच रहे हैं, और मतलब सोच विचार में समय अपना लगा रहे हैं, एंड द अदर पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन। दूसरा व्यक्ति जो है वो ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है इस कनेक्शन की इस टाइम पे, उसमें मूवमेंट है। ओके, थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड मैक्सिमम लोगों के लिए। स्पेशली अगर पिछले कुछ समय से आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ब्रेक चल रहा है और चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, देन अभी धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगी। और अगर सिचुएशन वैसे ही अनस्टेबल है तो आगे जाकर के मुझे लग रहा है कि थोड़े से और स्पीड में नए नए चेंजेस कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं, ओवरऑल आपकी सिचुएशन में या आपके पर्सन के एटीट्यूड में आपके टूवर्ड्स। जिन लोगों की बिल्कुल अगेन बिल्कुल एकदम कंप्लीट कट है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में जो लोग हैं इस टाइम पर, उनके लिए मैं देख रही हूं कि ये पर्सन शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में कि आप ऑनेस्टली कुछ इनको बताएं, या ऑनेस्टली आप किसी चीज को एक्सेप्ट करें। ओके, ये थॉट इनके माइंड में आ रहा है। ये आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये वाला स्प्रेड हमने कंबाइंड एनर्जी का निकाला है। सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। समवन वांट्स टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ इन द सिचुएशन। कोई ऐसा पर्सन है जो सिचुएशन में जो भी सच्चाई है, जो भी ट्रूथ है, उसको बाहर लेकर के आना चाहते हैं। नाउ वी विल सी स्पेसिफिकली आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके टूवर्ड्स कैसी है।
दोबारा से अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। चलिए, लेट्स सी फॉर माय व्यूअर्स। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है इस टाइम पर? कुछ कार्ड्स आ गए हैं मेरे हाथ में। जजमेंट का कार्ड है सबसे पहला। फैमिली से रिलेटेड कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट या कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ आपको बता सकते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों की है तो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन वी हैव किंग ऑफ रॉड्स, दोबारा से ये वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज आप लोगों का ना रिपीट हुआ है ये वाला कार्ड। ओके, तो अभी ऐसा है कि जो कुछ भी ये पर्सन अपने माइंड में इस टाइम पर सोच रहे हैं ना, वो स्टेबल नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि अभी आज कुछ सोच रहे हैं, कल के दिन में इनके थॉट्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएं, या आज ये एकदम श्योर हैं कल ये बिल्कुल अनश्योर हो जाएं, और वाइस वर्सा आज अनश्योर हैं कल एकदम 100% श्योर हो जाएं कि नहीं मुझे तो इसी इंसान के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, या मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए। ओके, इस तरीके से इनके माइंड में बातें चल रही हैं। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि इनको कोई पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बोल रही है बार बार कि आपसे इनको दूर रहना चाहिए, या आपसे इनको कट ऑफ कर लेना चाहिए, और आपके पास में इनको वापस नहीं जाना चाहिए। एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड, इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये फैसला लें आपके अगेंस्ट, और आपसे अपनी एनर्जीज को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर लें और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। कहीं से तो ये आइडिया, ये मैसेज जो है ये इनके दिमाग में डाला जा रहा है, और ये उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। ऑल दो बहुत अनमने मन से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अनमने मन से आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? स्ट्रेंथ कार्ड है। कार्मिक सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज भी आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। यू हैव टू रिमेन काम, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कंपोज्ड इन दिस सिचुएशन। यू डू नॉट हैव टू एक्ट ऑन योर इम्पल्सिस। जो आपके इम्पल्सिस हैं उनके ऊपर आपको बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करना है कि अभी चटपट मेरे दिमाग में ये बात आई है तो मैं फटाफट से ये बात ये इस चीज के ऊपर एक्शन ले लूं। जैसे आपके माइंड में अगर आ रहा है कि नहीं नहीं अभी बात कर ही लेनी चाहिए तो आपने फोन उठा करके मैसेज कर दिया, वो चीज गलत हो सकती है। या हो सकता है कि गुस्से में कहीं आपके मुंह से कोई बात निकल जाए और सामने वाले पर्सन के मुंह से कोई बात निकल जाए, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में चलने के लिए कहा जा रहा है। सोच समझ के अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। आज के दिन में मैंने आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग करी थी विच वॉज ऑन योर करंट एनर्जीज। यस, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए, एंड इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू योर गाइडेंस। उसमें बहुत जरूरी गाइडेंस आई थी, और अगर आपने मिस कर दी है तो वो रीडिंग आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो ऑफकोर्स मैच कर रही है, सिंस काफी सारे हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और हमारी एनर्जी एज अ सोल फैमिली जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, राइट? तो अभी सुबह ये 6 घंटे के जो गैप है उसमें ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज नहीं आया है, बट ये ऐसी रीडिंग ज्यादा डिटेल्ड है फॉर नो कॉन्टैक्ट। ओके, बट वहां पे आपका जो आया है जो हमारी करंट फीलिंग्स वाली जो रीडिंग है उसमें गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत सटीक निकल के आई है, तो वो एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। और उसमें बेसिकली मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ना धीरे धीरे चलने के लिए बोला जा रहा है, और जहां भी आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर ना चेक रखने के लिए, नजर रखने के लिए कहा जा रहा है, कहीं आप ओवर इंडल्ज तो नहीं हो रहे हो। अभी जैसे कि आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी बातचीत अगर बंद है सामने वाले पर्सन की तरफ से, और आप इस समय पर सोच रहे हो कि आप इनको मैसेज कर लें या आप इनको कॉल कर लें, तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन को देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी है। अगर आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा फायरी कन्वर्सेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फायर एनर्जी है गाइस, तो ना इस इंसान की जो वाइब्रेशंस है उसमें भी जो अग्नि तत्व है वो ज्यादा है आपके टूवर्ड्स, दैट मीन्स दिस पर्सन इज मोर फुल ऑफ एंगर या जेलेसी या फ्रस्ट्रेशन। जो हमारे अग्नि तत्व वाले जो इमोशंस होते हैं वो अभी मुझे बहुत ज्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो अभी अगर आप इनसे कुछ भी बात करते हो, कुछ भी कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे यू नो बहुत अपने ऊपर एक बहुत बड़ी टेंशन ले लेने वाली बात हो जाएगी. तो समझ सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है. दिस इज़ द गाइडेंस. एंड फिलहाल आज की रीडिंग जो है हमारी, मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ. आप लोगों के लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूँगी जल्दी. और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ में, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, उनके लिए भी एक टैरो कार्ड रीडिंग मैं फ्रेश करने जा रही हूँ. फ्रेश अपडेट, स्टे इन टच, थोड़े टाइम में आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी. एंड बिफोर यू लीव, प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा. दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज. और जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी.